कथित शराब घोटाला है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है और लगातार जो इनके विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं अपने प्रदर्शन के लिए। कैमरामैन गोविंद, एक बार ये तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से ये तमाम वो जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही आपको तस्वीरों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी और वो तमाम विधायक जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तमाम वो विधायकों का, कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन लगातार दिल्ली में जारी है और कहीं ना कहीं ये महीनों से जो है प्रदर्शन चल रहा है, दिन प्रतिदिन जो है ये प्रदर्शन आक्रामक रूप लेता चला जा रहा है। कभी सीएम आवास के बाहर, कभी डिप्टी सीएम आवास के बाहर, कभी चंडीग्राम अखाड़ा पर, कभी कहीं उतर कर ये प्रदर्शन। और आज भी देखा जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया का घर है, जो मनीष सिसोदिया का आवास है, उसके समीप आकर ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में उतना नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी के साथ तमाम वो विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार प्रदर्शन जारी है। आप देखिए किस प्रकार से तमाम वो कार्यकर्ता जो है ये बैरिकेड्स तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस तरफ ये देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पे तमाम वो सुरक्षा बल भी मुस्तैद किए गए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो भी इसमें भ्रष्ट मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ वो सारे कार्यकर्ता जो है बैरिकेटिंग्स को तोड़कर और उस तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पैरा मिलिट्री की फोर्स और दिल्ली पुलिस की फोर्स यहाँ पे उन्हें लगातार समझाने का कोशिश कर रही है, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता जो हैं लगातार मनीष सिसोदिया के घर की तरफ कूच करने को लेकर के अग्रसर हैं। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जुड़ रहे हैं। विदुड़ी साहब, आज फिर से आप लोग सड़कों पर हैं और तमाम आपके विधायक यहाँ सड़कों पर हैं, आज आप मनीष सिसोदिया के घर की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल से तो ये मांग कर रहे हैं कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दें। विधानसभा के अंदर हमने दो बातें कही थी जिसका जवाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया नहीं दे पाया था। हमने पूछा था क्या शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, तो जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि क्या मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में 300 से ज़्यादा शराब के ठेके खोल दिए हैं, तो जवाब नहीं दिया। आज जिन शराब के ठेकेदारों को उन्होंने कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, वे शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि उसमें से 6% कमीशन हमने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को वापस कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल, अब आप अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दो। विधायक जी, लेकिन एक चीज़ देखा गया कि अभी सीबीआई ने जांच की, कुछ नहीं मिला, अब ईडी जांच कर रही है। आपके सवालों का तो कतई वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब तो वो भी ये कह रहे हैं कि ईडी भी जांच कर ले, लेकिन एक सिक्का भी नहीं मिल पाएगा। किसने कह दिया, किसने कहा, अब उसका जवाब दे दे ना, मनीष सिसोदिया दे दे, अरविंद केजरीवाल दे दे कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया या नहीं किया, जवाब दे। इसमें हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जवाब देना। बीजेपी ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी जारी किया और जारी करने से पहले भी खूब उसका हल्ला उठा था, लेकिन उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी मजाक बता दिया है। मैं कहता हूं, अब तो शराब के ठेकेदार ही कह रहे हैं कि हाँ, जो कमीशन हमारा 2% से बढ़ाकर 12% किया था, जो कुल हमें आय हुई थी उसका आधा पैसा हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दे दिया। ठीक है, एक विधायक जी आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से एक उनका मंत्री जेल में, अभी तक उनकी तो बर्खास्तगी नहीं की है, लेकिन आप लगातार मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस मंत्री पर अभी जांच चली रही है वो जेल में चला जाएगा या उसको बर्खास्त कर देंगे वो? देखिए, बात यह है, ये तो जो एजेंसी जाँच कर रही है उनको फैसला करना है। हमारा फैसला है कि अरविंद केजरीवाल, तुमने शराब के ठेकेदारों से हजारों करोड़ रुपया पाया है, अब आपको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोहन सिंह जी, जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता और आपके समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं, आप लोग भी सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है शराब घोटाले को लेकर के, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है, अभी कोई भी मंत्री बर्खास्त नहीं किया गया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, इसमें बर्खास्त करना नहीं करना ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। हमारा काम है कि इनका पर्दाफाश करना। विधानसभा का सत्र चलता है, नियमानुसार हम चर्चा चाहते हैं, सरकार हमारी चर्चाओं से भागती है। जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में यदि हम
हम प्रमाण के रूप में प्रमाणिकता के आधार पर बोल रहे हैं, तो सरकार को बर्खास्त, सरकार के मंत्री को बर्खास्त जब नहीं किया जाता तो इससे भ्रष्ट कौन सी सरकार होगी, ये इतिहास में दर्शाता है। लेकिन मोहन सिंह जी, एक चीज़ और देखा गया कि जिस तरीके से आप लोगों का लगातार सवाल है, आरोप है, प्रत्यारोप है, वो जवाब देने से तो कतई कतरा रहे हैं, लेकिन उनका भी एक छोटा सा सवाल आया है कि सीबीआई की जांच में कुछ नहीं मिला तो ईडी के जांच में क्या मिलेगा। सीबीआई के प्रवक्ता नहीं है केजरीवाल की सरकार, सीबीआई ने कोई रिटर्न में उनको नहीं दिया है। यदि सीबीआई ने दे दिया है आपके कथन अनुसार 2% से 12% उन्होंने क्यों किया, फिर शराब की नीति से वो टर्न डाउन क्यों हुए, आज जहां पुराने ठेके थे दोबारा से वही ठेके क्यों चल रहे हैं, इसका मतलब इस सरकार ने कहीं ना कहीं घोटाला किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है, यदि कल इनकी स्टिंग ऑपरेशन पकड़ी गई, उसमें इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, तो आज ये कहने लगे साहब हमको तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। वो क्लीन चिट है कहाँ, क्या इनको इनके घर पर आके क्लीन चिट देगी। आज ईडी के 30 छापे क्यों पड़े, और 30 छापों से यदि कल स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कहता है 2% की जगह 12% कमीशन कराई और 6% हमसे केजरीवाल जी लेते थे, ये उसका वास्तविकता है। और हमारा कहना ये है कि सरकार को निश्चित रूप से हम घेरेंगे भी। दिल्ली का जो करोड़ों रुपए का बजट है, जिस बजट का ये बंदर बांट कर गए, चुनाव में इसको यूज कर रहे हैं, उसको जनता तक लेके जाएंगे, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, जब तक ये सरकार ये मंत्री रिजाइन ना दे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी विधायक को जो है दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है, देखिए क्या कहेंगे विधायक जी। विधायक जी बर्खास्त करो। बीजेपी विधायकों को लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है। ये देखिए महिला कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार डिटेन कर रही है। यहाँ पे उन विधायकों से, उन कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने का भी कोशिश करेंगे जिन्हें लगातार यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। विधायक अजय महावर को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। मेरी मांग है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। मुझे नहीं पता लेके जा रही है। मनीष सिसोदिया और सतेंद्र नारायण को बर्खास्त करो। मेरी मांग है मनीष सिसोदिया को और सतेंद्र नारायण को बर्खास्त किया जाए। हमारी ये मांग है। सरकार मेरी मांग मान नहीं रही है। और ये चोर लोग हैं, कट्टर बेईमान पार्टी, कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री, कट्टर बेईमान उप मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे होंगे दिल्ली के विधायक यहाँ पे, वो तमाम मोहन सिंह बिष्ट, साथ ही ऊपर अजय महावर और इसमें जितेंद्र महाजन भी आपको नजर आ रहे होंगे जो अंदर है। और यहाँ देखिए कैमरामैन को इन तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पे जो है तमाम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। पता नहीं है, लेकिन इस काले भ्रष्टाचारियों को हम लोग जेल में। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी को खुद यहां पे दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो डिटेन कर रहे हैं। विधायक जी हट जाइए। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि आधा पैसा अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की जेब में गया है, तो अरविंद केजरीवाल अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए। अब हम मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्याग पत्र दे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए।
लगातार भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, और जो है मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके घर की तरफ, उनके आवास की तरफ कूच, और मांग इनकी कही है कि उन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शराब नीति पर जो है लगातार बवाल जारी है, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिन प्रतिदिन अलग अलग तरहों से अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, एक बड़े रूप पर प्रदर्शन कर रही है, और देखा भी जा रहा है, लाजमी भी है कि दिन प्रतिदिन ये जो प्रदर्शन है वो आक्रामक रूप लेता चला जा रहा है। लेकिन आज फिर यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, और तमाम उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, हालांकि नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी को भी यहाँ पे जो है हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, धनुष 15, दिल्ली।